नमस्कार। हृदय की बात भाग 63। सबका मालिक एक इस श्रृंखला में ये आखिरी वाला वीडियो। हमने देखा कि सभी धर्म, पूजा पद्धति, उपासना पद्धति सभी कुछ अलग अलग होने के बावजूद ईश्वर तो एक ही है। तो ऐसे ही एक छोटी सी बात, एक धर्मशाला में रात रुकने के लिए कुछ यात्री आए। वहाँ के रसोइये ने कहा कि रात बहुत हो चुकी है, तो अभी पूरा भोजन बनाना मुश्किल है, मैं केवल एक पदार्थ ही बनाऊँगा। क्या बनाऊँ आप कहिए। तो किसी ने कहा चावल, किसी ने कहा राइस प्लेट, तो किसी ने कहा गुजराती कोई होगा तो चोखा, किसी ने कहा भात मराठी होगा। तो रसोइयों को तो पता चल गया कि सभी ने एक ही वस्तु की मांग की है, भले ही उनके नाम अलग अलग हो तो परम तत्व तो एक ही होता है। भगवान से किसी ने पूछा, या तो भगवान तो क्या ठीक है, कोई किसी संत महात्मा को किसी ने पूछा कि गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, ईश्वर, इन सब में क्या फ़र्क है। तो महात्मा ने जवाब दिया कि वही फर्क है जो मॉम, मम्मी, अम्मा, माँ इसमें होता है, सब एक ही तो है। तो ईश्वर जो है वो एक ही है, ये एक बार हम मान लें। भगवान की पूजा जो है वो किसी भी प्रकार से हो सकती है, अर्चना अलग अलग तरीके से हो सकती है, प्रार्थना के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, लेकिन सभी मार्ग एक ही ईश्वर की ओर जाते हैं। धर्म के कारण होने वाले झगड़े, दंगे, फसाद धर्म के मर्म को ठीक से न समझने के कारण ही होते हैं। विश्व शांति तभी संभव है जब सभी लोग इस बात को समझें और तदनुसार व्यवहार करें। सही है ना? धन्यवाद।